है कि इंटर्नशिप किनको यहाँ पर कितने महीने करनी है। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से फ्रेंड ये पूछते हैं कि यहाँ पर इंटर्नशिप हमको 3 महीने करनी है या 2 साल करनी है। दोस्तों यहाँ पर जो है 3 महीने की जो है इंटर्नशिप नहीं होती, 3 महीने का जो कोर्स होता है उसको हम यहाँ पर RSLDC बोलते हैं। यदि आपने यहाँ पर कोई कोर्स किया हुआ है तो उसके बाद आपको यहाँ पर 3 महीने का जो कोर्स होता है ये आपको यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सीधे ही जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं जिनको यहाँ पर इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिल चुका है उनको यहाँ पर कितने महीने जो है इंटर्नशिप करनी होगी। उनको यहाँ पर 3 महीने इंटर्नशिप करनी होगी या फिर 2 साल तक इंटर्नशिप करनी होगी, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर और आपके यहाँ पर जो किस्तें हैं और यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो है टोटल 24 किस्तें मिलती हैं और यहाँ पर 2 किस्तें आपको मिल चुकी है और 14 किस्तें अभी बाकी हैं। तो आपको यहाँ पर जो है जो 14 किस्तें बची है उन्हीं किस्तों में यहाँ पर मतलब 14 महीने ही आपको यहाँ पर इंटर्नशिप करनी है। और अगर मान लो आपके यहाँ पर 15 किस्त आ चुकी है या 20 किस्त आ चुकी है उसके बाद आपको इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिलता है तो यहाँ पर आपकी 15 किस्त आने के बाद बचती है 9 किस्तें, तो आपको यहाँ पर 9 महीने ही इंटर्नशिप करनी होगी। और 20 किस्तें आने के बाद अगर आपकी जो इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिलता है तो आपको यहाँ पर 4 ही महीने जो है इंटर्नशिप करना होगा। और इनका यहाँ पर 1 साल तक उन्होंने भत्ता ले लिया है और अब 1 साल का बाकी है यानी कि 12 महीने बाकी है, तो 12 महीने जो 12 किस्तें बची है तो 12 महीने उनको इंटर्नशिप करना होगा 1 साल के लिए। यानी कि यहाँ पर जितने आपको यहाँ पर किस्तें मिल चुकी हैं उसके बाद बाकी जो किस्तें आपकी बची हुई है और उसके बाद आपका यहाँ पर इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिलता है तो अब बाकी किस्तें जितनी है उतने ही महीने आपको यहाँ पर इंटर्नशिप करनी होगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किसको कितनी यहाँ पर इंटर्नशिप करनी होगी, कितने महीने करने होगी। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप अपने जो डिपार्टमेंट इंटर्नशिप डिपार्टमेंट है वहाँ पर इसकी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ, अब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।